गांव की चौखट जहां आंगन बबूल का मंजिल है खोई खोई सी रास्ता है धूल का धड़कन बिखर जाए ना आंखें ये भर आए ना सांसों में तू भर ले दम ना हौसला हारेंगे हम ना हौसला हारेंगे। अच्छा एक बात बता मैं अपने भगवान से ऐसे और तेरे अल्लाह से ऐसे कुछ मांगूंगा तो क्या वो दोनों नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? अगर हाथ जोड़ने के तरीके से मेरा अल्लाह और तेरा भगवान सुनने लगा तब तो जिनके दोनों ही हाथ नहीं वो तो अपनी दुआ भगवान तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे ना। ये क्या है ना बेटी, रिवाज तो रिवाज है। अपने खानदान में वर्षों से बहू की जो पहली रात होती है वो अपने शौहर के साथ नहीं बल्कि एक अजनबी के साथ उसे गुजारनी पड़ती है। ये क्या कह रही हो मम्मी? ये कैसा रिवाज है? चल छोड़िए ना मेरे हाथ। चल चल बेहोश चल। अरे बात करो बेटा, खाना खा ले बेटा, खा ले बच्चा। ए नहीं खाएगी तो हमारा क्या जाएगा? जान तुम्हारी जाएगी समझी। और ऐसे भी मरना है तो आजाद होने की जिद क्यों कर रही है बता? तो तुम जानी गई होगी कि ये सब कोई रस्म नहीं, तुम्हारे हिस्से की किस्मत है और इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये समझो कि हम घोड़े हैं और तुम हो हमारी घास। अगर तुझ पे रहम करेंगे तो हम खाएंगे क्या? और ऐसे भी आज रात तुझे उसके साथ सोना ही पड़ेगा समझी, जिंदा या लाश बनकर। खालिद मेरी बच्ची 10 दिन से भूखी होगी, बात क्यों नहीं मान लेती बेटा? जो तू कहेगी तेरी सास वो बना के देगी। खा ले बच्चा, खा ले, खा ले बेटा, खा लेना। हाँ महज 14 साल की रुबीना आखिर सहती भी तो कितना। खेलने की उम्र में सब उसके साथ खेल रहे थे। अभी तो वो रिश्तों के मायने भी नहीं समझ पाई थी कि एक एक करके हर रिश्ता उसके लिए भयावह हो रहा था। निकाह करके ससुराल आई और उसके ससुराल वाले वो भी उसे सरेआम बेच रहे थे। एक लड़की के लिए उसके मायके का रास्ता उसका ढांढस होता है, लेकिन रुबीना तो उस रास्ते पर भी वापस नहीं जा सकती थी। मैं श्रद्धा रुबीना के संघर्षों की इस कहानी में आप सभी का स्वागत करती हूं। जब एक इंसान टूटता है तो वो टुकड़े होकर बिखर जाता है, फिर ना उसका अपना कोई फैसला रहता है और ना ही अपनी कोई मर्जी होती है। विरोध के सुर धीरे धीरे धीमे पड़ने लगते हैं, सही और गलत के बीच चुनाव करने की हिम्मत खत्म हो जाती है और चुप रहकर सब कुछ स्वीकार करने की, सब कुछ बर्दाश्त करने की आदत सी पड़ जाती है।
पे तकल्लुफ चाहिए। हुजूर क्या हुआ, पैसे तो दिए थे ना उस दिन? हुजूर हुजूर बेचारे का जरा चेहरा तो देखिए, जरा गौर से देखिए। बेगम इसकी और खुशी गम मनाने जा रहे हैं आप, बेचारे के लिए भी तो राहत का कोई सामान होना चाहिए। अरे सीधा सीधा कहो ना, और पैसे चाहिए ये लो। अरे आप भी क्या इनकी बातों में आ गए, जाइए आप अंदर जाइए। देखो मेरे शौक बुरे जरूर हैं, लेकिन मैं इंसान बुरा नहीं हूं। अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं चला जाता हूं, ठीक है? लेकिन मेरे जाने से तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरे बाद कोई और आएगा, हो सकता है कि मुझसे अच्छा हो या मुझसे खराब भी आ सकता है। तुम तो जानती हो इन लोगों को, इनको क्या है, पैसे से मतलब है। तुम चाहे कितना भी रो चिल्लाओ, क्या फर्क पड़ता है इनको, है? ये लो पानी पियो, लो पानी पियो। आओ घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। लो बेटा नाश्ता कर लो। और बेगम साहिबा, मैं खुद आपके लिए दूध बना के लाया हूँ, वो भी पिस्ता वाला। लो पकड़ो, चलो अपने कपड़े पैक कर लो। वो क्या है ना, हम सब नहीं चाहते हैं कि तुम दुखी रहो इस तरह हमारे साथ, तो इसलिए हम लोग ने फैसला लिया है कि तुम्हें तुम्हारी जगह भेज दी जाए। कौन सी जगह? मैं नहीं जाऊंगी कहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपने जो भी कहा है मैंने माना है और आगे भी मानूंगी। घर के किसी भी कोने पे मैं नौकरानी की तरह पड़ी रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दूध पी लो और तैयार हो जाओ। मैं कहीं भी चली जाऊंगी अगर आप पे मैं बोझ हूं तो। मैं भीख मांग लूंगी, जरूरत पड़ी तो मैं आपको मार डालूंगी। मैं कहीं भी चली जाऊंगी। अरे निकाह किया है तुमसे, जिंदगी से ऐसे थोड़े ना जाने देंगे। ऐसे भी शौहर जो कहे वो बेगम के लिए मजहब होता है ना। कितना बोलती है, कहे थे ना पढ़ी लिखी लड़की से निकाह करो, समझदार होती तो इतने सवाल जवाब नहीं करती। अले समझा ले अपनी बेगम को, चाय चाय किए जा रही है। आप मुझे ऐसा नहीं कर सकते। तुमने काजी के सामने खुदा को गवाह मानकर मुझसे शादी की थी। मैं ऐसा ही हूं। नहीं। और मैं ऐसा कर सकता हूँ। और ये क्या निकाह लगा रखा है बार बार, मैं तुमसे निकाह नहीं किया है, सौदा किया था तुम्हारे साथ। मैं खरीदा गया था, खरीदी गई वस्तु एक सामान की तरह होती है, इसका मालिक जिसके साथ चाहे जब चाहे कुछ भी कर सकता है। हेलो, हाँ हाँ
मैं अपनी नई वाली बेगम को लेकर आ रही हूँ, रखो। नई वाली? हो, तुम मेरी छठी बेगम हो? नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी सातवीं बेगम हो। और जहां मैं तुमको ले जा रहा हूं ना, वहां पे मेरी ऐसी बहुत सारी बेगम मिलेंगी तुम्हें। वहां जाके खूब मेरी बुराई करना, ठीक है? और सुनो, जल्दी तैयार हो जाओ, नखरा एकदम नहीं। अब मेरी अम्मी तुम्हें नहीं संभालेगी, मैं खुद तुमको समझाऊंगा। लो, तैयार हो जाओ। तो बड़ा चिकनी पटा लाया, कहां से लाया रे? सलाम भाईजान। चलो चल चल। नेता जी, दोपहर होने को है ना? अरे जिस लड़की को आप ले गए थे ना, वापस नहीं आई है। अरे क्या सर, कम से कम यहाँ तो अपने जबान के पक्के रहिए, नहीं तो आगे से कहीं से और से व्यवस्था कर लीजिएगा। इस आदमी के पास दोबारा किसी को मत भेजना। जल्दी करो, देश की जनसंख्या थोड़ी ना गिर रहे हो। हाँ, हो जाएगा। पांच लड़कियां ना, किस होटल में भिजवानी है? ओके ओके ओके, ठीक है। तीन आजाद काम है, बाद में ले लेना। कॉर्पोरेट पार्टी का फोन आया था, उन्हें पांच लड़कियां तैयार करो, ब्लू स्टार होटल में भेज दो। ये बात सही नहीं है। सुना था कि आप लोग नैतिक होते हो, लेकिन ये नैतिकता नहीं है। महिला कल्याण के नाम पर एनजीओ चलाते हो और यहाँ दलाली कर रहे हो। सरकार से लेकर लोगों से लड़कियों के पूर्ण निवास के लिए चंदा लेते हो, चंदा, और खुद लड़कियों को कोठे पर छोड़ के चले जाते हो। जिसकी आत्मा मर चुकी है वो मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा। लेके जाओ इसको। आपकी यही अदा तो बाजार में आपको दूसरों से अलग कर देती है। और तेरी यही हरकत सबसे घटिया आदमी तुझको बनाती है। और इसी घटियापन में तुम हर बार एक हीरा चुन के लाते। जब दाम लगाने वाला आप जैसा हो तो माल तो खरा ही लाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत लगी है, लड़की को देख कर जरा कीमत लगाइए। रेशमा, जल्द ही निकाह करके नई बेगम लाता हूँ। छोड़ के चले गए हैं ना, वो तुम्हें कभी प्यार करते ही नहीं थे। और जो लोग यहाँ तुम्हें प्यार करते हैं उन्हें धीरे धीरे अपना बना लो। इसी में तुम्हारा और हमारा दोनों का फायदा है।
ज्यादा मत सोच, मत सोच ज्यादा। सर दर्द के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो लोग तुझे छोड़ के चले गए हैं ना, वो तुम्हें कभी प्यार करते ही नहीं थे, और जो लोग यहाँ तुम्हें प्यार करते हैं उन्हें धीरे धीरे अपना बना लो। इसी में तुम्हारा और हमारा दोनों का फायदा है। यहाँ के तौर तरीके सिखाने में ये तेरी मदद करेगी। ले जाओ इसे, मेहमानों की तरह यहाँ रखो। यहाँ मेहमानों की कीमत ज्यादा होती है। रवीना, रवीना, ये क्या हालत बना के रखी है कमरे की। चल उठना, अरे उठना और तैयार हो जा, खाना तैयार है। रवीना उठ। यहाँ जो भी आती है सब एक जैसी होती हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के सपने जल्दी टूट जाते हैं और कुछ के हर बीतती रात के साथ धीरे धीरे दम तोड़ते हैं। जितनी जल्दी ये उम्मीदें, ये सारे सपने तू खत्म कर देगी, उतनी जल्दी अच्छा होगा, तकलीफ कम होगी। यहाँ हर रोज नए कस्टमर आते हैं, प्यार की बातें करते हैं और अपना काम खत्म होते ही चले जाते हैं, और उनकी यही झूठी बातें हम अपनी जिंदगी बना लेते हैं और धीरे धीरे पत्थर हो जाते हैं। एक ऐसे पत्थर जिनमें सांसें तो हैं पर सिर्फ इसलिए ताकि धीमी और तेज करके हम खुश कर सके। एक दिन तू भी हम जैसी हो जाएगी, फिर तुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब बातों का। मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं बहुत जल्द यहां से चली जाऊंगी। चाहती तो मैं भी यही हूं कि तू यहां से चली जा, पर यह संभव नहीं है। संभव होगा। पूरा एंजॉय करूंगा। बैठ जाइए, अपना ही घर समझिए, परेशान मत होइए।
कैसे कहां रुबीना पहुंच गई। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था और अकेले वो सबसे लड़ भी नहीं पाई। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। घर से निकलकर वो एक वैश्यालय की शोभा बन गई। रुबीना तो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके लिए उसका ससुराल ज्यादा अच्छा है या फिर ये चकला घर। और जैसा अक्सर होता है कि धीरे धीरे वहां की लड़कियां इसे अपनी नियति मानकर सब कुछ स्वीकार कर लेती है। उसके बाद वैश्यावृत्ति उनके लिए किसी कर्तव्य या किसी रोजगार से कम नहीं रहती। ठीक वैसा ही रुबीना के साथ भी हुआ। रुबीना धीरे धीरे इसी वैश्यालय की बनकर रह गई। अगर उसे कभी कभार अपने घर या ससुराल की याद भी आती होगी तो वो उसे भूल जाने में ही अपनी भलाई समझती होगी। और इसी तरह 5 साल बीत गए। रवीना, तेरा कस्टमर आ रहे। मेरे राजा, एंजॉय करो। पूरा एंजॉय करूंगा। बैठ जाइए, अपना ही घर समझिए, परेशान मत होइए। में रुबीना के दिल की सारी उम्मीदें मर चुकी थी और इत्तेफाक से रुबीना का बिक्कू से मिलना रुबीना के लिए एक नई कोशिश हो सकता था। लेकिन यही इत्तेफाक रुबीना के लिए किसी सदमे से कम नहीं था कि जिस बाजार से वो इतनी घृणा करती है उसी बाजार में उसको खरीदने के लिए उसी का एक मात्र दोस्त बिक्कू आया था। अब आगे क्या होगा? क्या बिक्कू और रुबीना की दोस्ती की इतनी गर्माहट बचेगी कि बिक्कू रुबीना को बचाएगा, या रुबीना उसे यह समझा देगी कि वो जहां है उससे अच्छी जगह उसके लिए और कोई हो ही नहीं सकती है, या फिर रुबीना बिक्कू के लिए सिर्फ एक वैश्या होगी और वो एक वैश्या जैसा बर्ताव ही उसके साथ करेगा। लेकिन चाहे जो भी हो, आगे जो भी होने वाला है वो रुबीना की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर जरूर आएगा और इस नए मोड़ से आगे का सफर हम कल तय करेंगे। अभी मुझे यानी श्रद्धा को इजाजत दीजिए। इसी जज्बे के साथ ना हौसला हारेंगे हम। आपके पैर पकड़ रहा हूं, आप प्लीज रुबीना को छोड़ दीजिए। आपको पैसे चाहिए ना? पैसे की धमकी किसको देता है? हाँ हाँ, रुबीना का जो होगा ना सो होगा। अब आज के बाद तू मुझे यहाँ दिखाना तो इस घर के तहखाने में तुझे हमेशा के लिए गुम कर दूंगी। क्या है ना मैडम जी, कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं, तलाशी तो लेनी पड़े। लेकिन अरे परेशान मत होइए, अगर आप गलत नहीं है यकीन मानिए इस देश का कानून आपको जरा सा भी परेशान नहीं करता।